सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो गाइस, जो मैंने अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था, वो अपलोड करने के बाद ही मेरे को फीवर हो गया था, मेरे को टाइफाइड हो गया था उसके बाद। तो उसके बाद से तो मेरा बेड रेस्ट चल रहा है और मेरा वर्कआउट भी छूट गया। तब से मैंने अपना जिम भी ज्वाइन नहीं करा है एंड तब से ना कोई व्लॉग अपलोड करा ना कुछ करा, खाली बेड रेस्ट ही है। तो आज जो मेरा व्लॉग आ रहा है, जो संडे को मैंने शूट करा है, ये व्लॉग मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एंड चल के देखते हैं यार कि ये व्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता है और किसके ऊपर ये व्लॉग है। तब से जब से मेरे को फीवर आया तब से मैं बहुत डाउन चले गया हूँ, मतलब खाना भी नहीं खा रहा था। अब तो खाना खाना थोड़ा स्टार्ट करा है मैंने। तो चल के देखते हैं यार, पूरी वीकनेस आ गई है बॉडी में क्योंकि जिम एकदम छोड़ दिया है, ज्वाइन नहीं करा है। एंड देखो ना, पूरा डाउन चले गया। बट कोई नहीं, ये तो रिकवरी होती रहती है। आप व्लॉग देखिए, तो मिलते हैं व्लॉग के बाद। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... वेलकम बैक टू माई चैनल। सो जस्ट मैं अभी गुड़गांव पहुँचा हूँ, मतलब कल रात को पहुँच गया था। तो मैं भी अभी सो उठ रहा हूँ एंड बहुत टाइम से यार गुड़गांव था नहीं, तो मेरे को बहुत सारे अभी काम करने हैं। पहले अपनी बाइक वॉश करानी है और उसके बाद देखते हैं यार कहाँ जाता हूँ, क्योंकि यार कहाँ जाता हूँ। अभी तो मैं जस्ट ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं कि कहाँ चलते हैं और कहाँ चलते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और रेड सो गाइस, अभी मैं जिम जा रहा हूँ यार, बहुत टाइम से मैंने अपना वर्कआउट नहीं करा है, मैं अपना वर्कआउट छोड़ रखा था। तो अभी जिम जाते हैं, जिम जाके थोड़ा वर्कआउट करते हैं, थोड़ा दोबारा फॉर्म में आते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। पहले मेरे को अपनी बाइक वॉश करानी है एंड उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तो मिलते हैं जिम के बाद। Like the shit up.
ahead and finish all that I started. I'ma go ahead and get it all uncharted. I can make this place go off like a rocket. I can give a fuck if you hate it or you love it. I don't do this shit cause I think that you want it. I just do this shit cause I know that I want it. I could give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the तो आज से डे वन से डे थर्टी तक डेली मेरा ब्लॉग आएगा और उसमें बताऊंगा कि डे वन से डे थर्टी तक जो मेरी कंडीशन रहेगी और जो मैं वर्कआउट करूंगा वो प्रॉपर से बताऊंगा। क्योंकि यार अभी जब मेरे को फीवर आया था मैं बहुत डम सी रह गया हूँ, मेरे पूरा फैटेड आ गया पूरी बॉडी में। तो आज से मैंने डे थर्टी का चैलेंज लिया है, तो देखते हैं डे थर्टी तक मेरी बॉडी में कितना इंप्रूवमेंट आता है। मैं डेली ब्लॉग अपलोड करते रहूँगा। तो ये मेरी अभी करेंट कंडीशन है, देखते हैं डे थर्टी के बाद मेरी कंडीशन क्या होती है। एंड गाइस जब भी मेरा जिम छूटता है या मैं डाउन जाता हूँ कितना मेरा वर्कआउट हो जाता है उसका, जब भी मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ। तो ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, मैं ये टी शर्ट पहन के अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि यार ये टी शर्ट पहन के मेरे को मतलब मोटिवेशन मिलता है। इसमें लिखा भी है अविनेश द ड्रीमर टू नेवर गिव अप। तो जब भी मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करता हूँ बहुत टाइम के गैप के बाद, तो मैं ये टी शर्ट पहन के करता हूँ यार, क्योंकि ये मेरे लिए लकी है। ये जब मैं पहन के वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये यार मिलते हैं, अभी रूम में आता हूँ, रूम में जाके डाइट लेता हूँ, उसके बाद बाइक पर स्टार्ट चलता हूँ। तो वहाँ से मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो जस्ट मैं भी अपना पोस्ट वर्कआउट में ले लिया है, मैं भी अपनी बाइक वॉश कराने आया था। तो चलते हैं यार, अभी बाइक वॉश कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आगे। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं क्योंकि मैं रास्ते भी पहुँचा हूँ, मेरे को अपनी बहुत सारे काम करने हैं। कल मेरा ऑफिस है तो काम तो होते ही हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार मैंने अपनी बाइक अभी वॉशिंग ले दी है, भैया बोल रहे कि टाइम लगेगा 40 मिनट्स करीब में लगेंगे, तो तब तक वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी वीडियो में बताया था कि आज से मेरा 30 डे का चैलेंज है। क्योंकि यार मेरी बॉडी बहुत डाउन चली गई है, जो वर्कआउट करते हैं जो जिम करते हैं उनको पता होगा कि अगर तुम 3-4 साल मेहनत कर रहे हो और एकदम से बॉडी डाउन चली जाती है तो कितना प्रॉब्लम होता है रिकवर करने में। तो वही यार, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है ना तब से मेरे साथ यही हो रहा है, जैसे मैं पीक पर आता हूँ एक पीक पर आकर दोबारा मेरी बॉडी डाउन चली जाती है, तो कंटिन्यू हो नहीं पा रहा है। बट अब मैंने स्टार्ट करा है, आज से मेरे डेली व्लॉग आएंगे, मतलब डेली बेस के जो इम्प्रूवमेंट होगी वर्कआउट होगा, तो डेली व्लॉग ड्रॉप करूँगा 30 डेज तक। 30 डेज के बाद मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितने इम्प्रूवमेंट रहा है, जो आज की मेरी वीडियो थी जो आज से मेरा फिजिक है और जो 30 डेज का फिजिक होगा उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया है वो मैं दिखाऊँगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। Thank you.
है गाइस, तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी बाइक वॉश करा ली है एंड मैं भी अपने रूम में ही आ रहा था। तो मेरे जो कल व्लॉग आएंगे, कल से मेरे डेली व्लॉग आएंगे 30 डेज़ तक, मैंने आपको बताया था। एंड कल से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, प्रॉपर वर्कआउट। तो कल से सुबह मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं कल यार, आज का व्लॉग मेरा इसी के ऊपर था। तो मिलते हैं कल से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।